सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के। मेरा नाम शिवम कुमार त्यागी, एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर एग्जाम क्रैकर पर। लास्ट कुछ दिनों से जो भी वीडियोस मैंने डाली हैं उन पर कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना उन पर भी थोड़ी चर्चा की जाए, और चर्चा बस ये कि जो चीज़ें कमेंट में मैंने देखी कि उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, बच्चों तक कैसे सही चीज़ें पहुंचाई जाएं, तो उन्हीं पर मैं थोड़ा सा आज स्टार्टिंग में थोड़ा बोलूँगा, फिर अपने टॉपिक पर हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट टॉपिक को। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर FDI के बारे में कब पढ़ाएंगे या FDI के बारे में पढ़ाइए। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में, लेकिन होता ना कि एक टॉपिक जो चल रहे हैं, एक के बाद एक टॉपिक जो चल रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैं बीच में मिस नहीं करना चाहता। क्योंकि होता ना कि अगर मैंने वो डोर तोड़ दी तो कान पकड़ना ये भी है, इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं और कान इस तरीके से पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कठिनाई होगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दर बाय दर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपकी करेक्ट होती चलें तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो FDI तक पहुँचने के लिए FDI का रास्ता तय करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से हम वो समझेंगे, ये है क्या, FDI क्या है। फिर एक बच्चे ने पूछा हुआ है GST के बारे में, सर बताइए। तो इसमें मैं बताऊँगा, ये टैक्सेशन जब मैं पढ़ाऊँगा, और टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसी में मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में समझाऊंगा, जिसमें VAT के बारे में, वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मूल्य वर्धित कर के बारे में हम जानेंगे, साथ ही में हम जानेंगे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या है, हच और वोडाफोन का वो केस क्या है जिसमें हच का कुत्ता अचानक से वोडाफोन का जो बन गया, तो उसके पीछे का विवाद क्या है, ये सारी बात जानेंगे। लेकिन टाइम आने पर, होता ना एक चैप्टर है टैक्सेशन, वो पूरी तरह से जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST समझ में नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बस चैनल पर इन वीडियोस को फॉलो करते जाइए। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, जो कि UPSC या UPPSC या फिर आपके MPSC, इन सारे एग्जाम्स के लिए आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरह से रेडी हो सकती है। और मैं यहाँ अर्थव्यवस्था की बात करने आया हूँ, अर्थशास्त्र की नहीं। तो ये याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। भाई बाबा नहीं बनना है हमको, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बाबा बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केवल उतनी ही बात की जाएगी जितनी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं इनको सारी चीज़ें, जो भी बच्चों की परेशानी है उनको दूर करता चलूँगा। जैसे कि एक बच्चे ने कहा सर सीरियल से पढ़ाइए। देखिए, सीरियल से पढ़ाने का मतलब ये है कि मैंने जिस दिन से क्लास स्टार्ट की है, तो मुझे ये लगता है बच्चे आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है, या जो भी है, आप एग्ज़ाम क्रैकर पर जाइए और पूरी वीडियोज़, जो वीडियो वाला सेक्शन है आप उसको ऑन करिएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और उसमें आप सबसे पहली वाली वीडियो से आप फॉलो करेंगे तो सीरियल बाय सीरियल एक एक पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस आपको मिलेंगी, आप तक पहुंचेंगी, तो वहां पर आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर ये होगा कि नहीं ये पहले आ रही है या वो पहले आ रही है, तो वहाँ पर आपको ऊपर नीचे वीडियो मिलेंगी, तो समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से पढ़ा जाए। आप वहाँ प्लेलिस्ट में अभी मत जाइएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में वो अभी एडिट होकर पहुँची नहीं है, तो उस तक मत पहुँचिएगा। प्लेलिस्ट में अगर देखेंगे इकोनॉमिक्स बाय त्यागी सर, वहाँ पर वो चीज़ें सीरियल बाय सीरियल नहीं मिलेंगी, पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलेंगी। लेकिन वीडियोज़ वाले कॉलम में जाएंगे तो ऊपर से नीचे तक सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगी। तो शुरू से देखना शुरू करिएगा, जहाँ से मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है ना, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, किन किन पॉइंट्स पर बात करनी है, ये सब मैंने सिलेबस में, मैं क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ तक कि चैप्टर क्या हैं, और जिन चैप्टरों की ज़रूरत है UPSC को, जिन चैप्टर्स की ज़रूरत है UPPSC को, MPSC को, GPSC को, RPSC को, इनको जिन जिन चैप्टर्स की ज़रूरत है उन चैप्टर्स को भी मैंने डिफाइन किया है। तो इसलिए वहाँ पर पहुँच कर उनको कम्प्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आज फिर से अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने बात की थी, याद होगा, अभी हम पढ़ रहे थे मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज़ के बारे में, मौद्रिक एवं साख नीतियों के बारे में। मौद्रिक एवं साख नीतियों में हमने अभी तक पढ़ा है कि उनके उद्देश्य क्या होते हैं, और उद्देश्यों में मैंने कहा था कि मौद्रिक एवं साख नीतियों के माध्यम से RBI और भारत सरकार मिलकर
भारत में मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करती है, देश में आर्थिक समृद्धि लाती है, साथ में मैंने कहा था एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, परिवर्तनीय, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर है कितना मजबूत है। अभी ये टॉपिक, ये उद्देश्य हैं मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के, इस मौद्रिक एवं साख नीति वाले टॉपिक में मैंने ये लिखा था। और हाँ, एक और बच्चे का कमेंट था जो मैं देख रहा था कि सर थोड़ा हिंदी में लिखिए बोर्ड के ऊपर। अब हिंदी में लिखने का बच्चे मतलब ये है, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी में नहीं लिख सकता, थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि हिंदी में वो विवर्तनी या जो भी कहते हैं उनको मात्राएं, मैं इतनी करेक्ट नहीं बना पाता। तो ऐसा नहीं है कि मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा, बस थोड़ा समझकर आपको चलना होगा। अगर थोड़ा सा गलती ऊपर नीचे हो तो ये आपकी बेहतरी के लिए है कि आप उसको खुद करेक्ट कर कर लिखें, इतना सुनिएगा। और जैसा मैं लिखता हूँ उसमें मात्राओं में गलती, जैसे होता ना कितनी, तो वहाँ छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, हो सकता है वहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियाँ आपको देखने को मिले, लेकिन मैं गलती करूँगा नहीं, मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आप तक पहुँचे, ठीक है। दूसरा, हिंदी की इकोनॉमिक्स में ये भी दिक्कत आती है कि इकोनॉमिक्स में हिंदी को अगर आप इन्वॉल्व कर देंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से नीट एंड क्लीन आपके सामने नहीं आ पाएंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ मुद्रा स्फीति की, तो मुद्रा स्फीति का शाब्दिक अर्थ महंगाई भी होता है, ठीक है ना, हिंदी में तो मुद्रा स्फीति भी है महंगाई भी है। तो अगर मैं मुद्रा स्फीति बोलकर चलूंगा, लिखाकर चलूंगा या हिंदी में बताकर चलूंगा तो महंगाई समझ में नहीं आएगा, महंगाई क्या है। तो इन, क्योंकि हिंदी में शब्द अलग अलग हैं, एक ही शब्द कई तरीके से लिखा जा सकता है या उसका मीनिंग एक ही निकल कर आएगा, लेकिन शब्द अनेक हो सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि एक ही शब्द है, जैसे कि मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक ही, लेकिन यहां पर मांग जनित मुद्रा स्फीति भी कुछ किताबों में मिलेगा आपको, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप लिखते चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर से टॉपिक पे लौटते हैं। तो लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था ऑब्जेक्टिव्स की, उद्देश्यों की, फिर मैंने बात की थी उसी में कि ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो प्रकार के टूल्स, दो प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करती है, किसमें, मौद्रिक एवं साख नीतियों में, जिसमें से एक उपकरण की मैंने बात की थी, वो उपकरण था, याद होगा आप लोगों को, मैंने कहा था क्वांटिटेटिव टूल्स, मात्रात्मक उपकरण। और मात्रात्मक उपकरण में मैंने सात प्रकार के उपकरण बताए थे, इस उपकरण के सात भाग बताए थे, जिसमें से पहला था CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात, फिर था SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, फिर था बैंक रेट, बैंक दर, फिर था रेपो रेट, रेपो दर, फिर था रिवर्स रेपो रेट, उलट रेपो दर या विपरीत रेपो दर, और फिर था OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, और लास्ट में बताया था MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, जिसमें से CRR को डिफाइन किया जा चुका है और SLR को डिफाइन किया जा चुका है। आज की जो ये वीडियो है उसमें हम जो चीजें समझेंगे वो आपकी होगी रेपो रेट, रेपो रेट, और दूसरा समझेंगे रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर, और दूसरा है उलट, उलट रेपो दर, या इसी को हम कह देते हैं विपरीत रेपो दर, ठीक है, उलट रेपो दर और विपरीत रेपो दर। इन दोनों को ही एक नए नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं लेफ, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यानी कह सकते हैं, अगर साधारण शब्दों में हम समझें, साधारण शब्दों में समझ कर चलें, तो लेफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दो भाग होते हैं, एक में होता है आपका रेपो रेट, एक में होता है रिवर्स रेपो रेट। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी, तरलता, मुद्रा के प्रवाह को एडजस्ट करने के लिए दो प्रकार के उपकरण हैं मुख्यतः, एक है रेपो रेट और एक है रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर और विपरीत रेपो दर।
आज का जो मुख्य टॉपिक है, पहला रेपो रेट। कैडी डालेगा रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो दर, रेपो दर, रेपो रेट। आपको बता दूं, इसको डिफाइन कर रहा हूं और आप लिखते भी चलिएगा, रेपो दर वह दर है, आरबीआई की वह दर है जिस दर से, पहली बात तो तरलता को नियंत्रित किया जाता है, यानी मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, पहली बात। दूसरा, रेपो दर वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। अल्प अवधि, शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कहा जाए तो वैसे तो 365 दिन से कम का, लेकिन मुख्यतः 40 डेज का हम शॉर्ट टर्म लोन मानकर चलते हैं। जो कौन देता है? आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को। जिस दर पर यह अल्प अवधि का ऋण दिया जाता है उस दर को हम रेपो दर के नाम से जानते हैं। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा रेपो दर क्या है, ठीक है। दूसरा, अब इसी को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, रेपो दर से आगे निकलते हैं, ये बिल्कुल बैंक रेट की तरह है। बैंक रेट में मैंने समझाया था कि बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई लोन देती है, लेकिन लंबी अवधि का। और यहां पर क्या है? शॉर्ट टर्म लोन जिस रेट पर दिया जाता है, अल्प अवधि का ऋण जिस दर पर दिया जाता है उस दर को हम कहते हैं रेपो दर। दूसरा, मैंने कहा यह लिक्विडिटी कंट्रोल करती है। मान लीजिए ये कोई राम है व्यक्ति और ये कोई श्याम है व्यक्ति। राम, श्याम और एक और व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई भी, रहीम मानकर चलते हैं, रहीम, ठीक है। राम, श्याम और रहीम, जहां पर राम कनेक्ट है श्याम से और श्याम कनेक्ट है रहीम से। राम का दोस्त है श्याम, श्याम का दोस्त है रहीम और श्याम का दोस्त राम भी है। यहां पर राम को हम प्रेजेंट कर रहे हैं आरबीआई से, श्याम को प्रेजेंट कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक से, वाणिज्यिक बैंक से, और रहीम को हम प्रेजेंट कर रहे हैं आम जनता से, पब्लिक से, पब्लिक से, आम जनता से, ठीक। राम ने श्याम को, श्याम को जरूरत पड़ी 10,000 रुपए की और वो लोन था शॉर्ट टर्म, 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, ठीक है, 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी अल्प अवधि के लिए। तो जिस दर पर राम श्याम को लोन देगा उसके लिए जो रेट रखा गया, जो दर रखी गई, उसी दर का नाम क्या रखा गया? रेपो रेट। मान लेते हैं राम श्याम को 3% एनुअली, सालाना के हिसाब से ये ब्याज पर कर्ज दे रहा है, लेकिन श्याम अपने लिए नहीं ले रहा है, श्याम रहीम के लिए ले रहा है, जिसमें श्याम क्या करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा 5% का, तो 8% पर किसको दे रहा है? रहीम को दे रहा है। इसमें श्याम को यही प्रॉफिट है, इधर से लेना इधर देना, मैक्सिमम रेट पर देना तो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। 5% का लाभ कौन उठा रहा है? श्याम उठा रहा है। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जुड़ा रहता है रेपो रेट आरबीआई से और कॉमर्शियल बैंक आपस में क्या हो जाते हैं, आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, किसके थ्रू? रेपो रेट के थ्रू। ये तो एक तरीका है। अब मैंने कहा ये लिक्विडिटी एडजस्ट करता है, यानी तरलता को नियंत्रित करता है, और किसके माध्यम से करता है? रेपो रेट के माध्यम से। कैसे करता है वो देख लेते हैं। राम को ये लग रहा है कि रहीम के पास पैसा ज्यादा है, आरबीआई को ये लग रहा है कि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा पहुंच रहा है, किसके थ्रू? श्याम के थ्रू। राम कहेंगे कि रहीम को पैसा कम जाए, क्योंकि पैसा ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है मांग ज्यादा है, और मांग ज्यादा है तो मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति आई हुई है, यानी महंगाई आई हुई है बाजार में, इस महंगाई को कम करना है तो उसे मनी सप्लाई यानी लिक्विडिटी को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो राम ने अपना रेट बढ़ाकर 23% कर दिया। अब श्याम अपना रेट बढ़ाकर कितना कर देंगे? 28%। जैसे ही 28% होगा तो अब इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? बढ़ चुका है। तो रहीम अब लोन लेना नहीं चाहेगा, उसे कतराने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मनी सप्लाई मार्केट में हो सकती थी वो क्या हो गई? रुक गई। मनी सप्लाई रुकी, मनी सप्लाई जैसे ही रुकती है तो मार्केट में डिमांड क्या होगी? खुद पे खुद कम हुई। और डिमांड कम होगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा?
अचानक से देखने को मिलेगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई, मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे कर रहा है। दूसरा ये भी कि मान लीजिए देश में आर्थिक समृद्धि नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है तो उसका मेन रीजन डिमांड का कम होना हो सकता है। डिमांड कम कब होती है, मैंने कहा था मनी सप्लाई जब कम होती है, और मनी सप्लाई कम है तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जाना चाहिए। तो आरबीआई रेपो रेट के थ्रू मनी सप्लाई को बढ़ाने का भी काम करती है, इसे घटा करके अगर 1% कर दिया जाए तो कॉमर्शियल बैंक भी अपना रेट घटाकर कितना कर देंगे, 5-6% कर देंगे, क्योंकि 5% का अपना प्रॉफिट रखा है। जैसे ये 6% हुआ तो रहीम के लिए अब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो रहीम अचानक से लोन लेना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। यानी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में खुद पे खुद प्रोडक्शन, उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। और उत्पादन होने का मतलब क्या, देश में आर्थिक समृद्धि आना। तो यानी ये कह सकते हैं कि रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर लिक्विडिटी कंट्रोल। जैसे यहाँ एक शब्द है जिसका नाम रखा है रेपो। रेपो इसकी फुल फॉर्म होती है रिपर्चेज ऑपरेशन। रिपर्चेज ऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। रिपर्चेज का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, रिपर्चेज का मतलब होता है कोई चीज ऐसी होती होगी जो दोबारा से खरीदी जा रही है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी से लोन लेने जाते हैं, एक बात तो जानते होंगे कि कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो श्याम क्या करता है, यानी कॉमर्शियल बैंक जब भी राम से लोन लेने जाएगा तो कुछ ना कुछ उसे गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी रखने के लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों का इस्तेमाल करता है। कौन, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जब भी लोन लेने जाता है तो सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखता है, जो उसने किससे खरीदी हैं, आरबीआई से ही खरीदी हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं सोना लेने के लिए, आप दुकान से 4 तोले यानी 40 ग्राम आप सोना लेकर, गोल्ड लेकर अपने घर आ जाते हैं, लगभग मान लेते हैं 1,20,000 का, अगर 30 के भाव में भी होगा तो 1,20,000 का आपको मिल गया, आप घर आ गए। लेकिन अचानक से 2 महीने बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसों की अर्जेंट में ज़रूरत पड़ गई। जैसे ही पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, उस सोने को गिरवी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं से जुगाड़ नहीं हो रहा है। तो जाएंगे दुकान पर, गए उसी सोने को गिरवी रखे और उसके बदले 50,000 रुपये लेकर आ गए, 50,000 की ज़रूरत थी आपको, लेकर आ गए। लेकिन जैसे ही आपकी ज़रूरत पूरी होगी और आपके पास फिर से पैसा आएगा, आप फिर से उसी सुनार के पास जाएंगे और 50,000 रुपये देंगे और अपना ही सोना फिर से खरीद रहे होंगे। तो यहाँ पूरी, एक बार तो आपने पहले खरीदा था सोना और एक बार आप दोबारा से खरीद रहे हैं, इसी ऑपरेशन को क्या कहते हैं, रीपर्चेज ऑपरेशन। तो यहाँ क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक ने जो सिक्योरिटी आरबीआई से खरीदी थी उन्हें गिरवी रख दिया गया पैसा लेने के लिए, और जल्दी से जल्दी उस लोन को चुकाया गया और उन प्रतिभूतियों को वापस खरीद लिया गया। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है रीपर्चेज ऑपरेशन। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा रेपो रेट क्या है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट, उलट रेपो दर। रिवर्स रेपो रेट उलट रेपो दर या विपरीत रेपो दर। उलट रेपो दर जस्ट अपोजिट है किसका, नाम से लग रहा है रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, उलट रेपो दर, विपरीत रेपो दर। जैसे कि इसमें कहा यह जाता है कि अभी तक क्या चल रहा था कि कॉमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता था शॉर्ट टर्म किससे, आरबीआई से, तो जिस दर पर मिलता था उसे हम कहते थे रेपो रेट। इसका जस्ट उल्टा, अगर आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक्स लोन दे दें तो जिस रेट पर लोन दिया जाएगा उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिस रेट पर आरबीआई
कॉमर्शियल बैंक का पैसा अपने पास जमा करती है उस रेट को कहते हैं, या कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जब अपने अधिशेष को आरबीआई के पास जमा करते हैं तो जिस रेट पर वो अधिशेष जमा किया गया है उस रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसके माध्यम से भी तरलता को नियंत्रित किया जाता है। तो पहले समझते हैं ये है क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से वही एग्जाम्पल, राम, श्याम और रहीम। रहीम चाचा हैं ये, ठीक है। राम, श्याम और रहीम। राम श्याम को पैसा दे रहा है और श्याम रहीम को पैसा दे रहा है। जिस रेट पर दे रहा है उसी को हम रेपो रेट या बैंक रेट कहते हैं। उसमें टाइमिंग का फर्क है बस, वो लॉन्ग टर्म है, लंबी अवधि का है बैंक रेट, और रिवर्स और रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म है, अल्प अवधि का। लेकिन अब बात चल रही है रिवर्स रेपो रेट की। तो इसमें क्या है कि यदि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को, ये आरबीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर मैं बता दूं, और ये कॉमर्शियल बैंक को, और ये आम जनता को, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस रेट पर श्याम राम को लोन देगा उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। मान लेते हैं कि राम श्याम को जब दे रहा था शॉर्ट टर्म लोन तो 3% रेट था शॉर्ट टर्म, तो इसका नाम क्या रखा गया, रेपो रेट, ठीक है। और राम ने दे दिया, अब राम को यानी आरबीआई के पास श्याम जमा करना चाहता है क्योंकि उसका पैसा मार्केट में नहीं जा पा रहा है। मार्केट में ये दे रहा था इसे 8% से, लेकिन लोग नहीं ले रहे, रहीम नहीं ले रहे हैं, तो ये इस पैसे को अपने पास रखकर तो ये लॉस में जाएंगे। तो ये किसके पास जमा कर सकते हैं, आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास जमा करने आएंगे तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट रखा हुआ है 2%। मतलब अपना ही पैसा अगर मेरे पास गिरवी रखोगे तो वो कितने में जमा करूंगा मैं, 2% में। तो आप बताइए, श्याम बैंक के पास, आरबीआई के पास जमा करने आएंगे, यानी कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास जमा करना चाहेंगे या रहीम को, एनी हाउ ये इस रेट को कम कर सकते हैं, 6% कर सकते हैं, लेकिन ये देंगे किसको, रहीम को, क्योंकि इधर देंगे तो केवल 2% पर देना पड़ेगा जिससे ये लॉस में जा सकता है। बात समझ में आ रही है। अब आरबीआई को ये लग रहा है कि मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। अब पैसा ज्यादा है तो पहली बात तो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, बढ़ाकर इसे कितना कर दिया, 28%, तो 23%, जैसे 23% किया शाम ने इसको 28% कर दिया। तो मनी सप्लाई अब रुक गई, किसके पास है, श्याम के पास। लेकिन श्याम क्या कर सकते हैं, यानी कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, इसको इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं, या फिर आरबीआई के पास जमा करेगा। तो आरबीआई को लग रहा है क्योंकि ये पैसा भी किसकी तरफ आना चाहिए, आरबीआई की तरफ, क्योंकि ये भी मार्केट में डिमांड को कैसे ना कैसे तरीके से बढ़ा सकता है। तो जो बचा हुआ पैसा है, जो रुक गया है, वो भी आरबीआई के पास आना चाहिए। तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा और इसे बढ़ा करके मान लीजिए 29% कर दिया। जैसे ही पता चला शाम को कि मैं मार्केट में दे रहा हूं 28 में और आरबीआई लेने के लिए तैयार है 29 में, तो ये मार्केट में देंगे या आरबीआई की तरफ, तो जो पैसा मार्केट में फ्लो होने वाला था वो किधर फ्लो हो गया, आरबीआई की तरफ। जैसे ही फ्लो हुआ तो मार्केट में मनी सप्लाई पहले रुकी हुई थी और अब आने की भी उम्मीद नहीं है, तो डिमांड अचानक से और गिरेगी। डिमांड गिरेगी तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन कम होगा, या कह सकते हैं डिमांड गिरेगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी ओर आरबीआई को ये लगे कि देश में आर्थिक समृद्धि कम है क्योंकि मनी फ्लो कम है, पैसे का प्रवाह कम है, मुद्रा का प्रवाह कम है, तो आरबीआई क्या कर सकती है, अपने इस रिवर्स रेपो रेट को घटा करके 2% कर सकते हैं। तो पहले तो ये किया, फिर ये कर दिया, 3% रेपो रेट रखा, 2% अगर मेरे पास इसे जमा करने आओगे तो मैं 2% पर जमा करूंगा, तो शाम इनके पास ना जाकर किसको देंगे, रहीम को, तो जो पैसा इनके पास आने वाला था वो किधर चला गया, रहीम के पास, मार्केट में फ्लो हो गया। तो इसी रेट का नाम रखा गया है रिवर्स रेपो रेट। तो मैंने दो चीजें बताई आज, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई लोन देती है, वो भी शॉर्ट टर्म, अल्प अवधि के लिए ऋण दिया जाता है आरबीआई द्वारा। जिस दर पर दिया जाता है उस दर को कहते हैं रेपो दर,
और अगर वाणिज्यिक बैंक अपने अधिशेष को जमा करते हैं आरबीआई के पास, तो जिस दर पर करते हैं उस दर को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, उलट या विपरीत रेपो दर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और यहीं से आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को लेकर। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जो भी शुरुआत की वीडियोस हैं उनको फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि अब अगर एक भी चीज़ मिस होगी तो चीज़ें समझने में परेशानियां होने लगेंगी। तो इसलिए पूरा टॉपिक जब मौद्रिक एवं साख नीति मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरे मौद्रिक एवं साख नीति, क्योंकि अलग टॉपिक है लेकिन ये कनेक्ट है इन्फ्लेशन से, तो जब तक इन्फ्लेशन नहीं पढ़ेंगे ये समझ में नहीं आएगा। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं उनमें बच्चे ने, एक ने ये भी पूछा था, मैं कमेंट में देख रहा था कि सर बजट कब पढ़ा रहे हैं, बजट को पढ़ाइए पूरा। तो बजट भी पढ़ेंगे, बजट में मैं फिनेंशियल क्राइसिस को पहले पूरी तरह रिजॉल्व कर लूँ, फिर उसमें फिजिकल पॉलिसीज़ हो जाती हैं, राजकोषीय नीति हो जाती है। तो जब तक मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ख़त्म नहीं करेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यहीं से ग्रोथ को समझेंगे, समृद्धि क्या है, कैसे एक देश को समृद्ध बनाया जाए, ठीक है ना। उसमें हम देखेंगे FDI क्या है। तो इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उनमें FDI, FPI, उन्हीं में हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ परेशानी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। फिर उसके बाद हम फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे और फॉरेन ट्रेड से पहले मुझे लग रहा है कि बजट को हम ख़त्म करेंगे और उसे करंट से हम जोड़कर थोड़ा देखेंगे, क्योंकि बजट तभी समझ में आता है जब करंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होती है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अच्छे से पढ़िए, चीज़ों पर ध्यान दीजिए और चैनल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कम से कम आप तक वीडियो पहुंचती रहे। तो वो बेल बटन होता है ना साइड में, उसको दबाना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।